Question number 7.4. A 60 microfarad capacitor is connected to 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. हमें क्वेश्चन में गिवन है, यदि एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैरेड है, वह एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है, एसी सोर्स की वोल्टेज 110 वोल्ट और एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज गिवन है। हमें सर्किट के अंदर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को बताना है। तो हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू, किसी भी करंट को हमने फाइंड करना हो, फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यदि ये वोल्टेज आरएमएस वैल्यू है तो हम कहेंगे इससे जो करंट निकल के आएगा वो भी करंट आरएमएस होगा। दूसरी बात, यहां रेजिस्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर लगा हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है, जिसको XC से दिखाते हैं। हमारे पास XC का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/ωC। यदि ओमेगा ना गिवन हो तो हम 2π * फ्रीक्वेंसी से ओमेगा को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये सब वैल्यूज गिवन है। आप देखें, पहले XC फाइंड करेंगे। XC कितना हो गया, 1/2, पाई की जगह 3.14 लिखा। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 60 हर्ट्ज। कैपेसिटेंस हमें गिवन थी 60 माइक्रोफेरेड। माइक्रो को कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया। ये सारी XC की वैल्यू को हमने यहां रखा, जो हमारे पास निकल के फिर आया IRMS इज इक्वल टू 110, बिकॉज ये 1 से डिवाइड में था और यहां डिवाइड में होने से ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो बना 2 × 3.14 इंटू 60 × 10⁻⁶, 60 × 10⁻⁶ और ये 60। इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.49 एम्पियर। यही अपनी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होगी। थैंक यू वेरी मच।